नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि कोई चीज़ छूटे ना। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन की खांडवी। तो चलिए, इसके लिए मैंने कम से कम 200 ग्राम बेसन लिया है और इसमें नमक डाल दिया आधा चम्मच और लाल मिर्च डाली है और हल्दी डाली है थोड़ी सी और इसमें मैंने गर्म मसाला भी डाल दिया है और इसको अच्छे से मिला लेते हैं। और ये मैंने छाछ ली है गिलास में और छाछ ही डालेंगे इसमें क्योंकि कुछ लोग दही डालते हैं, तो मैंने छाछ डाली है। और बैटर अच्छे से हमारा बनके तैयार हो गया बातें बात करते हुए। और चलिए, गैस पे हमने ये भगोनी रख दी है और इसी में अब इसको अच्छे से उबाल लेंगे और इसका एक जैसे ऐसा इतना गाढ़ा हो जाए बेसन हमारा, जो कि जो हम थाली पे, ये देखिए थाली पे लगाएंगे तो वो फैले ना। ये देखिए हो गया इतना, कितना बढ़िया अच्छा बनके तैयार हो गया है गाढ़ा बेसन। और इसको हमने थाली पे फैला लिया है और ये देखिए ये सूख चुका है। अब इसकी हम चाकू से काट लेंगे। चाकू से काट के छोटे छोटे रोल बना लेंगे उसके। ये देखिए फटाफट काट लिया हमने। ये देखिए बहुत ही हल्के हाथों से पकड़ेंगे इसको, क्योंकि ये अगर ज़्यादा टाइट हाथों से पकड़ोगे ये टूट जाएगा। और ये देखिए कितना अच्छा रोल बनके तैयार हो गया। ये मैंने 4-5 पहले से और बना रखे हैं और ऐसे ही सारे बना लेंगे हम। ये देखिए ये देखो, अब मैंने एक तरफ कढ़ाई रख देती हूँ जो कि तेल गरम हो करने के लिए, और ये लगभग तेल गरम हो चुका है। अब इसमें हम, और ये देखिए एक तरफ हमने ये खांडवी सारी तैयार कर ली है और इसमें ये तेल गरम हो गया, तो इसमें डाल दिए हींग और ये डाल दी है राई और इसमें डालेंगे हम करी पत्ता और इसमें थोड़ी सी डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि मुँह में आएगी, तो इसलिए मैं थोड़ी सी फ्लेवर के लिए डाली है इसमें। बाकी आप अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कर सकते हैं, कोई ऐसी वो नहीं है। अभी तड़का बन के तैयार हो चुका है, अब हम इस पर डाल देंगे अपनी खांडवी पे। और थोड़ा सा तड़का मैं बचा के भी रखूँगी जिसमें कि थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दूँगी, जो जब हम खांडवी ये देखिए प्लेट में लगा लेंगे देखिए। और ये उसके ऊपर से मैंने लाल मिर्च वाला तड़का डाल दिया है और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है नारियल। और ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है और ये खांडवी हमारी बनके तैयार हो गई है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।